देश का पहला और एकमात्र गो अभयारण्य एक बार फिर चर्चा में है। इस बार गायों की मौत को लेकर नहीं बल्कि गायों को भारी गर्मी से बचाने के लिए किए जा रहे जतन को लेकर है। यह अभयारण्य साल 2017 में अपने उद्घाटन के बाद से ही तरह तरह के विवादों से घिर गया था। कभी बड़ी संख्या में गायों की मौत तो कभी गायों की मौजूद संख्या और उनके रखरखाव को लेकर। गो अभयारण्य में अभी तापमान 44 से 45 डिग्री के करीब रहता है, जिससे गायों को होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए पानी के फव्वारे लगाए गए हैं। मौसम के हिसाब से गायों के खान पान में भी बदलाव किया गया है। अभयारण्य में 24 शेड बने हैं। हर एक शेड में 240 गायें रहती हैं। शेड के बीचों बीच बने स्टोरेज टैंक से शेड की छत तक पानी पहुंचाया जा रहा है। इसमें जिगजैग पैटर्न के वाटर फॉगर्स लगाए गए हैं। इनमें निकलने वाली पानी की बूंदों से शेड के अंदर का तापमान करीब 10 डिग्री तक नीचे आ जाता है, जिससे गायों को गर्मी से निजात मिलती है। देखिए, दो बेसिक हम लोगों ने एक अभयारण्य में इंटरवेंशंस किए हैं। एक तो जो ड्रिप या स्प्रिंकलर सिस्टम होता है उसके फॉगर्स लगाए हैं, जो कि वर्टिकली हैंग करते हैं और जब उससे फुहार निकलती है तो टेम्परेचर्स ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं और गाय अपने आप को बहुत कंफर्टेबल महसूस करते हैं। दूसरा जो इंटरवेंशन किया है वो डाइट में किया है, जो चारे के साथ गुड़, विटामिन के सप्लीमेंट्स, आयरन, इन सब की व्यवस्था भी की गई है, ताकि जो इतना भीषण जो गर्मी पड़ रही है उसमें टेम्परेचर कम रहने की वजह से और पानी का जो फवारा उन पर छिड़का जा रहा है और कुछ डाइट में सप्लीमेंट की वजह से उनकी मॉर्टेलिटी ज़्यादा। एक इनिशिएटिव कहाँ से आया सर, उसके तक किस तरह के चेंजेस अब देखने को मिल रहे हैं? देखिए, इनिशिएटिव तो एक तरीके से ट्रायल और एरर मेथड से किया गया है, पर ये हालांकि देखा गया है कि कभी भी कोई भी हल्की सी फुहार होती है तो वो टेम्परेचर उसको कम करती है और इसका एक बहुत अच्छा जो रिज़ल्ट हम लोग को देखने को मिला कि इस बार भीषण गर्मी में भी गायों की मॉर्टेलिटी बहुत कम है। और इस्कॉन के मुंबई चैप्टर के जो लोग आए थे, जो कि गौशाला चलाते हैं, उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया है और फील्ड में जो इसका रिज़ल्ट देखने को मिल रहा है वो इस बार इतनी भीषण गर्मी होने के बाद भी गायों की मॉर्टेलिटी नहीं है। पशुओं के शरीर में पानी की मात्रा और जरूरी पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए गायों के खान पान में भी बदलाव किया गया है। पानी में ORS के अलावा भूसे के साथ ही विटामिन, मिनरल आदि युक्त पशु आहार भी दिए जा रहे हैं। गर्मी के मौसम को देखते हुए पशुओं के खान पान में परिवर्तन किया है। भूसा भी हम लोग इनको गीला करके दे रहे हैं, साथ में सुदाना, और जिस तरह से मनुष्यों में अपन ORS का घोल देते हैं बना के, इस तरह पानी में ORS का घोल भी मिला रहे, ताकि इनको सभी आवश्यक न्यूट्रिएंट मिले और कमजोरी महसूस ना हो। गायों से करीब 4 ट्रॉली गोबर रोजाना निकाला जा रहा है, जिसका उपयोग गोबर गैस के साथ ही प्रदूषण मुक्त इको फ्रेंडली गोबर की लकड़ी बनाए जाने में हो रहा है, जिसको बाजार में बेचकर मिलने वाली राशि का उपयोग अभयारण्य पर खर्च करने की योजना बनाई जा रही है। प्रशासन की माने तो अभयारण्य में किए गए इस प्रयोग के बाद गायों की मौत की संख्या में भारी कमी तो आई है। इसके अलावा अन्य राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संस्थान भी अब इस मॉडल को जल्द ही अपनाने जा रही है। गो अभयारण्य में अभी केवल 10 शेडों में ही ये प्रयोग शुरू हुआ है, जबकि 240 गायों की क्षमता वाले 24 शेड बने हुए हैं, जिनमें करीब 4,500 गाय मौजूद हैं। अपने शुभारंभ के बाद से ही इसका संचालन सरकार और प्रशासन के लिए गले की हड्डी बना हुआ है।